ज्वाइनिंग किया, आप यहाँ पे मैनेजर क्लब पे हो बट आपने अभी तक एक भी ज्वाइनिंग की दिख रहा है, आपने लास्ट मंथ भी 50 या 100 बोनस पॉइंट का ऑर्डर लगाया, इसी मंथ अभी तक लगाया है, तो वो आपके जो अपलाइन है वो भी आपको अगर इन केस कोई टीम दे रही है किसी की ज्वाइन करवा लिया आपके अंदर, आप उसके साथ स्टार्ट हो जाओ। देखो एक बात मैं आपको बता देती हूँ जो मैं दोबारा भी बताऊंगी लेकिन अभी एक और बार बताती हूँ, सामने आ गई है, या तो जीतोगे या सीखोगे, हारोगे कभी नहीं। जो हार होती है ना या जो डीमोटिवेशन होती है या कुछ होती है वो हमारे माइंड में है। और मैं घर से अगर मान लो मेरे घर में कुछ फाइट हो रखी है हस्बैंड के साथ या कुछ और वजह से मैं परेशान हूँ, बट मैं मीटिंग में उसको क्यों दिखाऊं? मेरा बिजनेस अलग चीज है, मेरी पर्सनल लाइफ अलग चीज है, राइट? तो वो चीज आपने अपने बिजनेस को ना पूरा खिल के अपने आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप राइट प्लेस पे, तभी लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे। चलो अभी ज्वाइन तो कर लिया, अभी रिक्रूट कैसे कराएं? अभी किसी को आपने ज्वाइन कराया, उसने बोला मैम मेरे पास तो पैसे नहीं। कितने लोग बोलते हैं आपकी टीम में, ऐसे लोग बोलते हैं मैम मेरे पास तो पैसे नहीं है मैं कैसे शुरू करूं? कितने लोग बोलते हैं, बोलते हैं ना मैं मेरे पास तो पैसे नहीं है मैं कैसे शुरू करूं? तो उन लोगों के लिए आप जरूर ये चीज बोला करो कि डियर पैसे नहीं है तभी तो काम करना है, पैसे कमाने हैं। भगवान ने भी बोल रखा है, मतलब भगवान भी उन्हीं की हेल्प करते हैं जो खुद की हेल्प करते हैं, है ना? एक आपने लाइन तो सुनी होगी ना, हिम्मत ही मर्द तो मर्द खुदा। अगर हम मर्द मतलब हम लोग इंसान लोग हिम्मत ही नहीं करेंगे तो खुदा भी हमारी कहां से हेल्प करेगा? आप गरीब पैदा होते हैं ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर आप गरीब बनते हैं तो आपकी गलती है, गीता अगर किसी ने पढ़ी है ना, कि आप कुछ करके जाएं लाइफ। इन्वेस्टमेंट तो होता ही नहीं है, एनवायरमेंट इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इन्वेस्टमेंट है भी नहीं, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, इस बात को भूल जाओ कि यहाँ इन्वेस्टमेंट है, यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप पैसा लगा रहे हो, आपके घर पे प्रोडक्ट आ रहा है, बकायदा गिफ्ट भी आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ हुई? एक बात बताओ, मार्केट से आप साबुन लाते हो, साबुन से नहाते हो, शायद ब्रश भी जरूर करते होंगे आप, है ना? ये मैं आपको नहीं कह रही हूँ, आपने नए लोगों को बोला, आप ब्रश भी करते होंगे, ठीक है, आप क्या बोलते हैं शैम्पू भी करते होंगे, आप ये जो है कंडीशनर भी यूज करते होंगे, हैंड वॉश भी यूज करते होंगे, सैनिटाइजर भी यूज करते होंगे, कोई ना कोई फेस वॉश कोई क्रीम यूज करते होंगे ना, तो आपने आप कितने साल के हैं? 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 15 साल के हैं, 30 साल के हैं, कितने साल के हैं? इतने साल से आप ये चीज यूज करते आ रहे कर रहे हैं ना, आप क्या कर रहे हो? जो किराने की दुकान वाले हैं उनके घर खड़े कर रहे हो और उनकी गाड़ियां खड़ी कर रहे हो ना? एक दुकानदार है 2 लाख या 10 लाख रुपए का सामान अपने घर पे रखता है, अपनी दुकान खोलता है बनाता है, आप उसके पास से 2 रुपए की टॉफी लेके आओगे, क्या वो आपको मना करेगा कि ले मैंने तो भाई 10 लाख की दुकान खोल लिया, तू मेरी दुकान से 10 रुपए की टॉफी लेने आई है 2 रुपए की? नहीं कहेगा ना, वो बिजनेस जानता है, वहां इन्वेस्टमेंट है, उसको पता है मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, अगर मैं कुछ बोलूंगा तो मेरे ग्राहक चला जाएगा, क्या पता आज ये 2 रुपए की टोपी लेने आ रहा है, क्या पता आज कल ये 20,000 का सौदा सामान ले जाए, राइट? तो वो बिजनेस माइंड वाला है, वो इन्वेस्टमेंट वाला माइंड है, लेकिन हमारा माइंड हमारा खुला है, हमारा जो होता है हम लोग बोल देते हैं, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ शॉपिंग है, वो शॉपिंग जो ऑलरेडी आपसे आप बाहर से कर रहे हो, आपके सिर में दर्द रहता है, टांग में दर्द रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, बैक में पेन रहता है डिलीवरी के बाद जो ज्यादातर लेडीज को रहता है, आप जल्दी थक जाते हैं, आपका बीपी बड़ा लो होता है, ये है वो, दवाइयां लाते हो ना, तो यहाँ से अगर आप हेल्थ से शुरू करते हो तो आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा। जब आप वीडियो कॉल पे किसी से बात करते हो उनको देख लो, अगर उनके चेहरे पे पिंपल है रिकमेंड कर दो फटाफट से कि हाँ भाई आपके चेहरे पे पिंपल है, आपको तो बल्कि हमारा स्किन केयर बड़ा सूट करेगा, अच्छा लेना चाहिए, है ना? किसी के बेबीज है आप बेबियों के प्रोडक्ट रिकमेंड करो, अभी तो हमारे लव नेचर के भी शार्ट जेल आ गए, रिकमेंड करो। किसी के बाल बहुत ज्यादा सूखे या कम लग रहे हैं उनको रिकमेंड करो कि हाँ आप हमारा हेयर एक्स का यूज कर सकते हो, या बड़े रुखे हैं आप लव नेचर का हमारा जो है कोकोनट वाला शैम्पू एंड कंडीशनर यूज कर सकते हो, ठीक है जी? तो आप रिकमेंड करना सीखो और उसके लिए आपको नॉलेज लेना जो बहुत जरूरी है, जो कि आपको मीटिंग ट्रेनिंग से मिलेगी। अगला क्या आपको दिक्कत होती है, मेरे पति ने मना कर दिया, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, है ना? तो आपने ज्वाइन तो किया है ना, तो अब कैसे हस्बैंड ने मना कर दिया? अभी हस्बैंड मना क्या कहेगा, फ्रॉड ना हो, अब तो आधार कार्ड चला गया, फ्रॉड होना हुआ तो वैसे भी हो जाएगा, राइट? तो आप उनको ये चीज बोला करो कि आपका आधार कार्ड ये मेरे पास है, मैंने आपकी रजिस्ट्रेशन करवाई है, फ्रॉड होना हो तो मैं आपको ब्लॉक करके कब की भाग जाती, कैसे फ्रॉड हो सकता है?
जब आप आज आपके हस्बैंड का मूड अच्छा है या आपके आपका मूड अच्छा, चलो हस्बैंड जी कहीं खाना खाने चलते हैं या कहीं चाट टिक्की खाने चलते हैं, आपको गोलगप्पे पसंद है, आपके हस्बैंड कहेगा चाट ही खाएगी तू, खा लोगे आप चाट, गोलगप्पे खाओगे ना, आपको गोलगप्पे पसंद है। वैसे जब आप किसी दुकान पे जाते हो, कोई फंक्शन है, आपके भाई की शादी, आप मेरे भाई की शादी में, मैं तो लहंगा ही पहनूंगी, आपका हस्बैंड कहेगा नहीं तू सूट सिलवा, सिलवा लोगे आप, नहीं ना आपको लहंगा डालना है भाई, आपके भाई की शादी है, तो फिर यहाँ कैसे हस्बैंड को पूरा बना देते हो, हस्बैंड को ऐसा बना देते हो, हस्बैंड तो बस जैसे दुनिया में ना राक्षस बन के आए, हाँ मेरे हस्बैंड ने ये कर दिया, मेरे हस्बैंड ने वो कर दिया, मना कर दिया, मेरे हस्बैंड ये करते, अरे हस्बैंड ही तो है ना आप भी तो वाइफ और धांगी नहीं हो, क्यों नहीं समझाते उनको, और तभी आप भी समझाने की क्षमता तब आएगी जब आप नॉलेज लो। थैंक यू पायल, है ना, तो वो समझाने की क्षमता आप में तब आएगी जब आप नॉलेज लोगे, आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे नॉलेज लोगे। ठीक है चलो, कोई बोलता है और क्या बोलते हैं आप मुझे बताओ, मैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश करती हूँ, और क्या बोलते हैं आपकी टीम में। थैंक यू, जल्दी से बताओ मुझे और क्या बोल सकते हैं आपकी टीम, आपकी टीम के लोग या आपके न्यू ज्वाइनर्स क्या बोलते हैं, मेरे हस्बैंड ने मना कर दिया, उसका मैंने बता दिया, अब मैंने अपना, हाँ मेरे प्रोडक्ट्स बड़े महंगे हैं, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो उसके लिए मैं वही फिर से आपको बात बताऊंगी, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, आप जहाँ से 10 रुपए की साबुन ले रहे हो, वो 10 रुपए की साबुन के लिए इतने बड़े बड़े टीवी एक्ट्रेसेस आके, एक्टर आके आपको 10 रुपए की साबुन की एडवर्टीजमेंट करके जाते हैं, वो क्यों, वो आपको लगता है करीना कपूर लक्स की साबुन से, शाहरुख खान लक्स की साबुन से नहाता होगा, नहीं ना, वो लोग देखो मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, बट मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ कि गरीब को गरीब रखा जा रहा है, ये बात है, ठीक है, वो लोग आप लोगों के लिए एडवर्टीजमेंट करते हैं, वो लक्स से नहीं नहाएंगे, राइट, क्योंकि वो लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं ताकि गरीब लोग उसको परचेज कर सके और जो कंपनीज है वो और ज्यादा अमीर हो जाए ताकि वो अपने जो एक्टर एक्ट्रेसेस उन्होंने हायर किया उनको पैसा दे, और वो 10 रुपए का प्रोडक्ट 10 रुपए का नहीं है, 10 रुपए की मैगी आप तक आते आते 10 रुपए की होती है, मैगी बनती कैसे है, मैगी को पहले इतनी बड़ी कंपनी और इतने बड़े बड़े प्लॉट खरीद के, है ना, इतने बड़े बड़े एरियाज में मशीनें खड़ी करती है, तब जाके एक प्रोडक्ट बन रहा है, लाखों करोड़ों की मशीनें होती हैं वो, फिर वो मैगी बन रही है या कोई भी प्रोडक्ट लगा लीजिए, लक्स की साबुन या कुछ भी, वो बन रहा है, उसके बाद वो आप तक आएगा, सॉरी उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाएगा, सेलर्स के पास जाएगा, रीसेलर्स के पास जाएगा, दुकानदारों के पास आएगा, तब आपके पास आएगा, वो 10 रुपए का है, सीरियसली वो तो 1 रुपए का भी नहीं होगा, तो वो आप 1 रुपए का प्रोडक्ट 10 रुपए में ले रहे हो, वो महंगा है। यहाँ पर जो आपको इंग्रेडिएंट्स बताए जाते हैं, देशों देशों से इंग्रेडिएंट लिए जाते हैं, जिस देश की जो स्पेशलिटी है वहां पे 60 से भी ज्यादा देशों में काम कर रहे हो, रिफ्लेम हर एक देश की कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट में स्पेशलिटी होती है, वहां से आपको लाके दिया जाता है, वो होता है इंग्रेडिएंट, वो होता है प्रोडक्ट, वो होती है क्वालिटी, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, आई होप आपको समझ में आएगा, जो ऑडी है, जो जैगुआर है, मर्सिडीज है, इनके एड तो नहीं आपने देखी होगी ना टीवी पे, क्यों नहीं आती, और ये गाड़ियां बड़ी महंगी है यार, 20-20, 30-30 लाख से शुरू होती है गाड़ी, तो गाड़ी है हमारे पास भी एक ऑटो है, उसमें हम लोग 4 जने ही बैठ सकते हैं, सेम सड़क पे वो चलेंगी जिसपे महंगी गाड़ी चलती है, फिर हमारी गाड़ी 4 लाख की है या 6 लाख की है, वो गाड़ियां इतनी बड़ी बड़ी है क्यों, क्योंकि उनमें जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारी सेफ्टी है, वो बहुत ज्यादा है, उसी का पैसा है, क्यों है वरना इतना डिफरेंस कपड़ों में, घड़ी में, जूतों में, कुछ लगाने की चीजों में, कुछ खाने की चीजों में, क्यों है प्राइस का डिफरेंस, क्यों, क्योंकि वहां क्वालिटी आ जाती है, वहां सेफ्टी आ जाती है, ठीक है, इसलिए प्रोडक्ट महंगा नहीं है, जो आप 10 रुपए की महंगी 20-30 रुपए की साबुन या टूथपेस्ट ले रहे हो वो महंगी है, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जिसमें आपने ज्वाइन किया है, दैट मींस वो आपको डायरेक्टली दे रही है प्रोडक्ट, बीच में उनका कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, यू आर अ ब्रांड पार्टनर, आप एक इंटरनेशनल ब्रांड के पार्टनर बन चुके हो, इस चीज को सिर चढ़ा लो अपने, सही बताऊं मैंने तो चढ़ाया हुआ है, और उसी की वजह से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इन चीजों को बोलती हूँ जी, मैं डेराबसी में रहता हूँ, ठीक है जी, तो उसी वजह से मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, सिर चढ़ा रखा है, मैं बेस्ट हूँ, मेरी कंपनी बेस्ट है, मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, सब कुछ मेरा बेस्ट है,
जब तक आप इस चीज को अपने दिमाग में नहीं डालोगे ना, लोग आते रहेंगे, आपका दिमाग डाइवर्ट करते रहेंगे, आपका दिमाग तो छोटे बच्चे की तरह बना हुआ, किसी ने लॉलीपॉप पकड़ाया वहां चल दिए, किसी ने अगले ने चॉकलेट दी वहां चल दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको अपना माइंडसेट करना पड़ेगा। और इन सभी चीजों को जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ उनको भी लिखो, एग्जांपल्स की पहले तो खुद अहमियत को समझो, ठीक है ना। तो ये चीज जब आप वीडियो कॉल के थ्रू किसी को बताओगे या उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करोगे, उनको आगे बढ़ने का हौसला दोगे, तभी वो आपके साथ आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। वरना तब तक तो ये बहाने। आप एक बात हमेशा याद रखो, मेरे घर पे मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता। आप अपने आप को सपोर्ट कर रहे हो? आप अपने आपको खाना कौन खिलाता है, आपके हाथ या आपकी सासू माँ के हाथ? कौन खिलाता है आपको खाना? आप खुद खिलाते हो ना? कौन बनाता है खाना? आप या आपके हस्बैंड या आपका भाई भाभी मदर फादर? मतलब ऑब्वियसली वैसे तो आजकल आई होप इसमें मीटिंग में सभी ऐसी लेडीज है जो खुद खाना बनाती है। तो आप तो पहले खुद को सपोर्ट कर लो, फिर किसी से एक्सपेक्ट करना, राइट। तो खुद को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। जब खुद को सपोर्ट करोगे, आगे बढ़ोगे, तो सारे आपको सपोर्ट करेंगे। आपको किसी से सपोर्ट मांगने की जरूरत नहीं है। और ये मांगने वाली बात से मुझे एक और चीज याद आई। आप जब न्यू जर्नल को बात करते हो, न्यू मेंबर्स को या न्यू इंक्वायरी को बात करते हो ना, तो आप उस टोन में बात करते हो। ये बहुत अच्छा है, काटी मम्मी ने बनाया बेटा। मतलब हमें जरूरत है टीम की, हम मानते हैं, लेकिन हमारी जरूरत से ज्यादा लोगों को जरूरत है एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जहाँ पे वो घर बैठ के पैसा कमा सके, राइट। लोगों की जरूरत है, हमारी तो है, पर हमसे ज्यादा बड़ी जरूरत लोगों की है। आप लोगों की जरूरत को पूरा कर रहे हो, उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, कुछ ले नहीं रहे हो उनसे। देने वाला कहते हैं ना, देने वाला हमेशा बड़ा होता है, बड़ी सोच का होता है, कॉन्फिडेंट होता है। तो वो सोच आप अपने जहन में उतार लो कि आप देने वाले हो, अपॉर्चुनिटी देने वाले, नॉलेज देने वाले, प्लेटफॉर्म देने वाले। आप बड़े हो डियर, आप बड़े हो। आप बड़प्पन अपने दिमाग में भी रखो, लेकिन उसको एटीट्यूड में पे हावी नहीं होने देना कि आप एटीट्यूड वाले हो गए। नहीं, नॉलेज होना, अपनी रिस्पेक्ट कमाना, पैसा कमाना एक अलग चीज है, एटीट्यूड नहीं लेके आना। चाहे आप एक डायमंड होना हो, चाहे आप एक सीनियर मैनेजर हो, 12%, 15%, 18% या अभी आए हो, आपने डाउन टू अर्थ रहना, क्योंकि ये बिजनेस ऐसा है। यहाँ पे बीटेक को मैं भी कर रही हूँ, शांति देवी मैम भी कर रहे हैं जो 10th class है, और आज वो मेरे से कई गुना ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, क्या करेगी मेरी डिग्री, राइट। तो डाउन टू अर्थ रहो हमेशा। आप ग्रो करोगे टीम बना, टीम को साथ लेके चलना है। जिसको भी ज्वाइन कराओगे उसको भरोसा दिलाना है, आप मेरे साथ ज्वाइन हुए हो या हो जाओ, मैं आपको आगे लेके जाऊंगी। और उनकी टेंशन लेनी है, अपना ड्रीम आपका खुद ब खुद पूरा हो जाएगा। ओके जी, हमें ना सामने वाले के हिसाब से बात करते। देखो, जब हम बात करते हैं ना, सामने वाली स्टूडेंट हो सकती है, हाउसवाइफ हो सकती है, वर्किंग वुमेन हो सकती है, एज्ड वुमेन हो सकती है, कोई भी हो सकती है या हो सकता है, तो आप ना उसके हिसाब से बात करो। देखो, मैं अपना अगर आपको बताऊं, मैं किसी स्टूडेंट से बात करती हूँ तो स्टूडेंट के टोन में आ जाती हूँ। अच्छा, मतलब कॉलेज लाइफ की गर्ल्स होती है ना, थोड़ी पटर गश्ती टाइप में, तो मैं उस टाइप में आ जाती हूँ। कोई मतलब थोड़ी सी मतलब डरी डरी सी हाउस वाइफ है, तो मैं उसके बड़ा पोलाइटली बात करती हूँ, बड़ा अच्छे से वीडियो कॉल पे बात करती। देखो, मेरा भी बेटा है यार, मुझे भी बर्तन करने होते हैं, मैं बस अभी बर्तन करके आई हूँ, मेरे तो मशीन में कपड़े लगे हुए, कौन करेगा, मैं ही अपने घर की घरवाली करूँ, घरवाली भी काम वाली, सब कुछ मुझे ही तो करना है। तो उनको वो रियलाइज कराओ दैट आप भी कोई डिफरेंट नहीं हो। और सबसे बड़ी बात वीडियो कॉल की यही होती है कि हम अपने आप को दिखाते हैं, देखो हमने कोट पैंट नहीं डाला हुआ, देखो हमने कोई मेकअप नहीं किया हुआ, देखो हम भी कैजुअली काम कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो यार, बड़ा आसान है ना। उस जोन में लेके आना पड़ेगा। और क्या बता सकती हूँ मैं आपको? हाँ, अगर कोई 2-4-5 मिनट से अपना मैं पहले देखना चाहती हूँ, अरे भाई देख तो आपको इतना दिखा दिया, ऑफिशियल पेज है हमारा फेसबुक पे जिसको आप दिखा सकते हो, एपिक विन नेटवर्क का ऑफिशियल अभी स्टार्ट हो चुका है, हमारे इंस्टाग्राम पे वो दिखा सकते हो, देख लो, गूगल पढ़ा है, देख लो, नॉलेज ले लो। आप प्रोडक्ट लेने आए हैं या बिजनेस करने आए, या सिर्फ ट्राई करने आए हैं? ट्राई करने आया तो आप ट्राई करके एक दिन में नहीं तो एक महीने में बैठ जाओगे। बिजनेस करने आए हो ना, बिजनेस माइंड होके चलो, 50 या 100 बोनस पॉइंट मिनिमम होना चाहिए आप। क्यों? क्योंकि मैं हम लोग इसलिए नहीं बोल रहे कि हमें बोनस पॉइंट की जरूरत है, हम इसलिए बोल रहे हैं भाई थोड़ा बोनस पॉइंट ज्यादा सर लगा लोगे तो प्रोडक्ट भी तो ज्यादा आएंगे, या महंगा प्रोडक्ट लोगे तो क्वालिटी भी तो देखने को मिलेगी, और साथ में प्लेंटी ऑफर्स भी तो आएंगे, वो चीजें भी तो मिलेंगी ना। वो आपको किसी और को दिखाने में, किसी और को बताने में, समझाने में बहुत हेल्प करे, है ना। सिंपल सी बात है, खुद
खुद बेनिफिट नहीं लोगे तो आगे किसको दिखाओगे। अगर मेरे पास ही प्रोडक्ट, मैंने थोड़ी देर वीडियो ऑन करके आपको इतने सारे बैग दिखाए हैं, है ना, ये सैंडविच मेकर दिखाया है, जहाँ पे मैंने फोन टिका रखा है वो मेरा फिलिप्स का हैंड ब्लेंडर है जो मुझे ओरेकल से मिला था एज अ स्पॉन्सर, जो जिसके ऊपर मैंने अपना फोन रखा हुआ है। तो मैं फिर से ऑन, आपको बिलीव हो जाएगा कि मैंने क्या जुगाड़ लगाए। ये देखो, ये मेरा फिलिप्स का हैंड ब्लेंडर है जो मुझे ओरेकल से मिला था, और ये मेरा टेबल है, ये भी मुझे ओरेकल से मिला, ठीक है। ये मेरा पेन रखा है, नोटबुक मेरे हाथ में है। तो यही चीजें हैं जो हम उनको दिखा सकते हैं। अगर हमने बेनिफिट को उठाएंगे तो हम सामने वाले को बेनिफिट कैसे दिखाएंगे। आपको अपने ब्लेंडी ऊपर क्वालिफाई करने हैं, आपको अपने स्पॉन्सरों पर क्वालिफाई करने हैं, तभी आप उनको दिखा पाओगे, ठीक है। और जब भी आप ऑर्डर लगाते हो कुछ अच्छा आपको क्वालिफाई होता है, आपने अच्छा ऑर्डर लगाया, खुशी हुई आपको, आप चाहते हो दिल से कि आपकी टीम भी ऑर्डर लगाए, अपना ऑर्डर लगाओ, स्क्रीनशॉट लो दो ग्रुप में, मैंने तो अपना ऑर्डर लगा लिया, मेरी टीम कब लगाएगी, आप कब लगाओ, ठीक है। और जब भी इनकम का आती है आपकी, उसका भी आपको स्क्रीनशॉट देना चाहिए, पहले एटलीस्ट पहले लेवल की पहले इनकम का तो जरूर, ठीक है। चलो उसके बाद एक मैं छोटा सा और एग्जांपल देती हूँ। हमें ना अपनी मिडिल क्लास सोच को छोड़ना पड़े। आप यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, शायद आप बहुत ज्यादा मतलब बजट आपका 500 का भी नहीं हो, या आप ऐसे भी हैं जिनका बजट 5000 से ऊपर का हो। आप में से कुछ बहुत कम पढ़े लिखे हैं, कुछ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे है ना, कुछ के पास मतलब कुछ स्टूडेंट है, कुछ मदर्स है, आप यहाँ पे तरह तरह के मेंबर्स यहाँ पे हैं, और अलग अलग सोच के साथ है, अलग अलग प्रोफेशन के एरिया के मतलब अलग अलग एरिया से, बट सोच हमारी जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए जिससे कि कोई पूछना ही भूल जाए। मतलब हमारी सोच को हम अपनी जब जुबान पे लेके आते हैं कि पूछना ही भूल जाए, आप कहाँ से हो, आप कौन हो, आप कितना पढ़े लिखे हो, आप कितना कमा रहे हो, या आप कंपनी का नाम है, भूल जाए वो पूछना, इतने कॉन्फिडेंस से बात करो। मेरी ज्यादातर ज्वाइनिंग, मुझे तो सच बता रहा, ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही, बट यस मेरे पास बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, मतलब 100 में से कोई 2 लोग जो पूछेंगे मुझे कि मैम कंपनी का नाम क्या है, पूरा मैं सक्सेस प्लान बता दूंगी, सब कुछ कर दूंगी, कंपनी का नाम नहीं बताऊंगी, और वो पूछना भूल जाते हैं। इवन जब उनका रजिस्ट्रेशन होता था, मैम ओरिफ्लेम है, मैंने कहा हाँ जी, और लेकिन जो मेरी बात कही हुई है उसका असर इतना होता है कि वो सच में नहीं छोड़ के जाते। जिनको देखो जाना है उनको तो जाना ही है, जिनको ब्लॉक करना है वो तो शांति देवी मैम को ब्लॉक कर जाते हैं, जिनका हम एग्जाम्पल देते हैं। अब वही एक एग्जाम्पल से एक और चीज याद आई, मैंने ये चीजें दिखाई, मेरे पास है, आप नहीं हो, आपके पास नहीं है, तो आप जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो है वो दिखाओ, कैटलॉग दिखाओ, ऑर्डर लग गया है प्रोडक्ट दिखाओ, और अपनी अभी आपकी इनकम कुछ नहीं है कोई बात नहीं, आप अपनी अप्लायंस की इनकम दिखाओ, आप वीडियो सेव रखो, शांति देवी मैम की जो बिफोर आफ्टर वाली वीडियोस हैं, या फोटोज हैं, रीना मैम की हैं, अनिता मैम की हैं, या जो भी आपके सीनियर हैं उनकी हैं, वो सेव रखो। दिखाने के लिए ना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कहते हैं ना, एक जो बेचने वाला होता है ना, वो एक रद्दी को भी बेच देता है, और वो भी करोड़ों में। वो टैलेंट होना चाहिए, वो टैलेंट चलो अभी मेरे में नहीं था, ऐसा नहीं है कि हम लोग गॉड गिफ्टेड पैदा हुए हैं, हमने एक्सपीरियंस से कमाया है जो कि आप भी कमा सकते, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन डाउट है तो प्लीज पूछ लो, आई थिंक काफी टाइम हो गया है, आई थिंक आप लोगों के काफी डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। कोई बात नहीं, क्यों नहीं लगा सकते मधु गुप्ता जी, आप अपना अपने, मैं कह रही हूँ ना, कॉन्फिडेंस रखो कि यार मैं दुकान से 5000 का सौदा लेके आई थी, सामान लेके आई थी, अंकल ने मुझे 50 रुपए में डिस्काउंट में दिया, मैंने यहाँ पे ऑर्डर लगाया और किसी और को भी इतने अच्छे प्रोडक्ट दिखाए, देखो मुझे 200 रुपए की इनकम आई, कॉन्फिडेंस, राइट। इंक्वायरी के लिए पिंकी जी, आप अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करो, आपकी सोशल मीडिया की प्रोफाइल को, नेम बैंक पे और रेफरेंसेस पे स्ट्रॉन्गली काम करो, लोग जुड़ेंगे जब आप उनको सही तरीके से जोड़ने का काम करोगे। थैंक यू। हाँ, तो पूछते ही तो है ना, बताना वही तो, बताने की तो हमें स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करनी है। कोई बात नहीं, मना करेंगे 10 लोग, मना करेंगे 50, 100 भी मना करेंगे, सो व्हाट, क्या हो गया, दुनिया खत्म थोड़ी हो गई है। वॉइस को हम लोग देखिए ज्यादातर ज्वाइन नहीं कराते, तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी ज्यादा। सक्सेस प्लान को दिखाओ, आपके पास सक्सेस प्लान होना चाहिए, नहीं है तो मैं तो फोन में शेयर करके बता देती हूँ। कौन से सवाल का जवाब रेणुका जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हर मंथ 100 में भी कैसे करें, आपका बजट है आप करो, अदरवाइज आप ये जो हमारा VIP लिंक है PBS है उसमें काम करो, अगर नहीं हो रहा कोई बात नहीं भाई, 50 BPP से शुरू कर लो, कोई बात नहीं भाई, 10 BPP से शुरू कर लो। टीम देखो, हमारा ऑर्डर लगाना 20% का काम है, उसको इतनी तवज्जो मत दो कि वो सिर पे चढ़ जाए,
राइट, हमारा 20% का काम है ऑर्डर कराना, 80% का काम है रिक्रूटमेंट कराना। उनको बोलो ऑर्डर कम लगाओ, ज्यादा लगाओ, वैसे तो 100 रुपये 50 रुपये पिकअप लगाने की कोशिश करो, अपने आस पड़ोस से बात करो, वही जैसे मैंने बताया कोलगेट तो हर घर में यूज होती है ना, बस उसको हमने अपनी ऑप्टी फ्रेश में कन्वर्ट करना है। साबुन तो हर घर में यूज होती है, उसको हमने अपने लव नेचर में या फिर मिल्क एंड हनी में या एसेंशियल में कन्वर्ट करना है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ओके, सो जाने से पहले ना मेरा ऐसे गला पूरा बैठ गया जोर जोर से बोल के, बट मैं आप लोगों के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ। देखो सिंपल सी बात है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है ना। आप अपने अंदर से अपने आप को कॉन्फिडेंट रखो। 10 लोग मना कर रहे हैं तब भी कॉन्फिडेंट रहो, अब तो इनको करके दिखाना। 20 लोग मना कर रहे हैं कोई बात नहीं, तब भी कॉन्फिडेंट रहो, क्या पता 21वां पर्सन कर ले, क्या पता 101वां पर्सन कर ले। दिस इज द बिजनेस जो घर बैठे आपको इतनी सारी नॉलेज, कॉन्फिडेंस और सब कुछ दे रहा है, इसी के नाते कर लो। जरूरी नहीं है कि आपको एकदम से आप 12% मैनेजर बन जाओगे, बनने को बन सकते हो, बट चलो आप नेगेटिव हो, नेगेटिव के हिसाब से बोल रहे हो अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी ज्यादा घूमती है, पर फिर क्या हो गया? आपको लाखों करोड़ों लोगों से, लेडीज से अच्छी हो, घर बैठे से रोटियां बना रही है, बर्तन मांज, आप अपने बच्चों के लिए कुछ सोच रहे हो, अपने अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए सोच रहे हो, शायद आज आपके ही हस्बैंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन जब आप उनको सपोर्ट करने लगोगे तो आपको दुगना सपोर्ट करेंगे। ओके जी, सो मेरा गला बैठ गया, बट मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा कुछ गाना चाहती हूँ। मुझे खुद बड़ी हंसी आ रही, बट यस गाना चाहती हूँ। माना की मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, आदमी का व्यवहार कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। ओके, समझे कि अगर आप रुक गए तो मंजिल कभी नहीं आएगी, चलते रहे तो 1 महीने बाद, नहीं तो 1 साल बाद, नहीं तो 2 साल बाद, नहीं तो 5 साल बाद जरूर आएगी। कुछ भी वेस्ट नहीं है, या तो जीतोगे या सीखोगे, कभी हारोगे नहीं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन। मैम एंड कर दूं? जय श्री सूर्य।